आईपीएल 2024 में पूरी तरह से बदल जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। एक साथ रिलीज किए जाएंगे कई बड़े खिलाड़ी। जानेंगे कौन कौन से खिलाड़ियों को किया जा सकता है रिलीज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2024 के ऑक्शन को लेकर के कई बड़ी अपडेट सामने आने लगी है। अगर आप ऑक्शन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीसीसीआई ने ऑक्शन की डेट पहले ही कंफर्म कर दी है। आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन 19 दिसंबर को होने वाला है और इस बार ऑक्शन दुबई में होगा। ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आईपीएल 2024 में हमें एक बदली हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नजर आ सकती है। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुछ बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिलीज कर सकती है। इस लिस्ट में पहला नाम है बेन स्टोक्स का। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2023 से पहले बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ की कीमत पर खरीदा था। हालांकि वो आईपीएल 2023 में सिर्फ दो ही मुकाबले खेल पाए थे। बेन स्टोक्स कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठते। दूसरी तरफ उनकी फिटनेस की समस्याएं भी लगातार बनी रहती हैं। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेन स्टोक्स को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। निश्चित तौर पर बेन स्टोक्स के बाहर होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का पर्स मनी काफी बढ़ जाएगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अंबाती रायडू का। अंबाती रायडू ने आईपीएल 2023 के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया था। अंबाती रायडू की कमी कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को खलने वाली है। अंबाती रायडू एक बेहतरीन बल्लेबाज थे। अब यहाँ पर ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अंबाती रायडू का सही विकल्प तलाशना चाहेगी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है काइल जेमिसन का। काइल जेमिसन को चेन्नई की टीम ने 1 करोड़ की कीमत पर खरीदा था। काइल जेमिसन अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो आईपीएल 2023 में बिना मुकाबले खेले ही बाहर हो गए थे। अब यहाँ पर चेन्नई की टीम काइल जेमिसन को दोबारा अपनी टीम में शामिल नहीं करेगी। काइल जेमिसन का बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। इस लिस्ट में चौथा नाम है सिसांडा मगाला का। सिसांडा मगाला को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया था। सिसांडा मगाला आईपीएल 2023 में सिर्फ दो ही मुकाबले खेले थे। हालांकि वो अपनी गेंदबाजी से प्रभावित भी नहीं कर पाए थे। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 से पहले सिसांडा मगाला को रिलीज कर सकती है। इस लिस्ट में पांचवा नाम है सिमरजीत सिंह का। सिमरजीत सिंह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में 20 लाख रुपए की कीमत पर शामिल किए गए थे। सिमरजीत सिंह को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। हालांकि वो एक अच्छे बाज माने जाते हैं। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई की टीम सिमरजीत सिंह को भी बाहर कर सकती है। इस लिस्ट में छठवां नाम है शेख रसीद का। शेख रसीद एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ स्पिन गेंदबाजी करते हैं बल्कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस युवा ऑलराउंडर को भी बाहर कर सकती है। आपको बता दें ऑक्शन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कई बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है। आईपीएल 2024 में हो सकता है कि हमें एक बदली हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खेलती हुई नजर आए। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। आईपीएल 2023 में इस टीम ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए खिताबी जीत हासिल की थी। एक बार फिर से आईपीएल 2024 में ये टीम प्रबल दावेदार रहने वाली है। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज किया जाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।